नमस्कार किसान भाइयों, बाजार रिपोर्ट चैनल पर मैं हेमंत यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज 3 अगस्त 2023 हो चुका है और जयपुर मोहाना मंडी में प्याज का क्या माहौल बन रहा है, इस वीडियो के माध्यम से भूरी भाई सेठ जी से जानेंगे नासिक वाला प्याज क्या भाव बिका है और कितनी तेज़ी के साथ बाज़ार खुला है, ये सभी जानकारी होने वाली है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए जान लेते हैं आज भूरी भाई से नासिक वाले प्याज की ताज़ा अपडेट, क्या पोजीशन रहा, कैसे हो सर? हाँ बढ़िया यादव जी, बढ़िया। आप सुनो आवाज भाई। तो सर क्या बाजार खुला है सर आज? बस बढ़िया बाजार, बहुत ही वही बढ़िया माल, 15 से 20 रुपए किलो। 15 से 20 रुपए? हाँ। तो कुछ ना कुछ तेजी का माहौल बना? हाँ, सही है, कुल मिला के बढ़िया। आज भी नासिक का महाराष्ट्र का 10-12 गाड़ी है। अच्छा जी सर। हाँ, बाकी लोकल है 40-50 साधन। अच्छा जी। तो सर 10-12-15 गाड़ियों में तो कोई दिक्कत नहीं है? 10-12-15 गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, फिर ज्यादा हो जाएगा तो फिर वही बात। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो सर ऊपर में तो आप बता रहे हो 18-20 रुपए भी का है। बढ़िया, एक नंबर माल 18-20 रुपए किलो, नीचे में 15 रुपए किलो। अच्छा जी सर। हाँ जी। और चोपड़ा 8 रुपए से 10 रुपए किलो, यानी चोपड़ा में भी तेजी का माहौल? हाँ ठीक है, 8 से 10। बिल्कुल बिल्कुल, जो 6-7 रुपए बिक रहा था, बिक भी नहीं रहा था, अब अच्छा हो गया 8 रुपए से 10 रुपए। तो सर इस तेजी का थोड़ा सा कारण क्या है सर? नहीं नहीं, कोई ताजी कारण, माल ज्यादा आ गया, पहले बारिश चल रही थी। अच्छा, अब मौसम साफ है, मौसम खुला है और माल कम है। अच्छा, बस और क्या है, यही फर्क है। माल लिमिट का आएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। और सर अगर पीछे की बात करें? पीछे भी टाइट है, 1-2 रुपए पीछे भी टाइट, यानी जो पीछे बाजार टाइट, मंडिया है पीछे, वहाँ से लोडिंग हो रही है नहीं हो रही? हो रही है लोडिंग, हो रही है लोडिंग। तो देखो भाजी, जो व्यापार करता है, काम करता है, थोड़ा बहुत व्यापारी किसान काम करते है, जिसको ऐसे बंद थोड़ी होता है कोई काम। नहीं, उनको अगर तेजी का माहौल लग रहा हो तो 5 की जगह 2 भर रहे होगा। टेंडेंसी पे चलता है काम, आने वाला आगे 1-2 रुपए और बढ़ सकता है, फिर 1-2 रुपए ये दिमाग में रहता है, हर व्यापारी और किसान के दिमाग में टेंडेंसी रहती है कि 1-2 रुपए की तेजी आ जाएगी, 1-2 रुपए की तेजी आ जाएगी, उससे व्यापार चलता रहता है, व्यापार बंद नहीं होता। तो सर कहाँ तक देख रहे हो सर बाजार? आज की पोजीशन यही है, 15 रुपए से 20 रुपए। अच्छा जी, बढ़िया सुपर में, और चोपड़ा 8 रुपए से 10 रुपए। तो जैसे मान लो हो सकता है 15 तारीख या 15 अगस्त के बाद हो सकता है और ₹2 बढ़ सकता है, यानी 25 का आंकड़ा छू सकता है सर? कोई बड़ी बात नहीं भाजी, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये प्याज है, टमाटर भी तो 200 रुपए किलो बिक रहा है ना कांटे के ऊपर, तो ये कोई बात थोड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल सर, 200 रुपए के आसपास बिल्कुल बिक रहा है सर। ये वाला क्या बिका है सर? यही 15 रुपए के आसपास। 15 सर। हाँ। और सर वो चोपड़ा 9-10 रुपए? 9-10 रुपए चोपड़ा लास्ट में। हाँ वो 9 रुपए बिका है। ठीक है जी सर। पर सर टॉप क्वालिटी तो नजर नहीं आ रही सर? टॉप क्वालिटी आज साहब आया ही नहीं है अभी कोई गाड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर वो टॉप क्वालिटी तो मेरे हिसाब से कहा 20-22 के आसपास हो? देखो भाजी, 22 का तो हम नहीं बोलेंगे, 18 से 20 का पोजीशन पक्का है, क्योंकि कल भी 21 रुपए बिका है सर। भाजी एक आध लाट बिकता है ऐसे, कोई देखो गाड़ी में कोई 150 कट्टे किसी भी दुकान पे बिक सकता है, चाहे मेरे पास हो चाहे किसी और के पास। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर किसान वहाँ जगह पे ही बिकता है, यहाँ क्या वहाँ जगह पे ही बिकता है। बिल्कुल सर। अगर स्टॉक की बात करें तो कितना बच गया सर स्टॉक? अभी देखो स्टॉक तो भाई साहब अभी आ रहे हैं, देखो अब कितना बच गया, अब ये तो अभी पूरा तो कैसे बता दें कितना बच गया। अच्छा जी सर। हाँ, पर किसान भाइयों को क्या कहना चाहोगे सर? किसान भाइयों को यही है, जिसका खराब हो रहा है बेचते जाओ, जिसका बढ़िया हुआ आराम आराम से बेचो, भाव मिलता जाएगा सर। भाव तो मिलेगा, भाव में कोई चिंता मत करो। बिल्कुल, बिल्कुल। इससे कम नहीं होगा, इससे बढ़ेगा, नीचे नहीं जाएगा। बिल्कुल सर। ठीक है सर, अपना मोबाइल नंबर बताइए। 98-290-66-324, राजधानी ट्रेडर्स मोहाना मंडी जयपुर। धन्यवाद सर। ओके।